महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार आ रही कमी से लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन तेजी से बढ़ रहे मौत के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,911 नए मामले सामने आए हैं और 738 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इलाज के बाद इस वायरस से 47,371 ठीक हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों में इस बात की जानकारी दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक नए मामलों के सामने आने के बाद राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 54,97,448 हो गई है। वहीं इलाज के बाद अब तक 50,26,308 लोग रिकवर हो चुके हैं और इस वायरस की वजह से महाराष्ट्र में 85,355 लोगों की मौत हो गई है और एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 383,253 है। मुंबई में कोरोना की स्थिति। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना के 1,425 नए केस सामने आए हैं और 1,460 मरीज पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। वहीं इस वायरस की वजह से शहर में 59 और मरीजों की मौत हो गई है। इस तरह से नए मामलों के सामने आने के बाद मुंबई में पॉजिटिव केस की संख्या 693,644 हो गई है। अब तक 647,630 लोग रिकवर हो चुके हैं। मृतकों के आंकड़ा बढ़कर 14,668 हो गया है और एक्टिव केस की संख्या 29,525 है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।